चाचा फजलू का रिक्शा तो ऐसे फराटे मारता हुआ आ रहा है जैसे जंगी जहाज हो। इतनी छेती तक कोई मेहमान भी वापस नहीं जाता। इतने पैसे दस्तो कितने लेके जाने आ? आईफोन तेरे वास्ता रोग नहीं। दुबई से फोन मुफ्त मिलते हैं क्या? मम्मा जान आजकल कोई थप्पड़ भी फ्री में नहीं मारता। डकी पुत्र आईफोन नहीं नजर आ रहा। छैया छैया वाला फोन नहीं जेड़ा जेब च पूरा आ जावे। लखा पैसे ला के भी अगर निका जिहा आईफोन ही आंदा है ते साडा बटना वाला फोन ही चंगा है। फिर मैं भी हुन आईफोन लेना है। मैं आप सबके लिए आईफोन लेके आया हूँ भाई। ओए करेले के हमशक्ल, सच है ये लेडीज बैग का क्या चक्कर है? आईफोन से भरा हुआ बैग कौन वापस करेगा अब भला, वरना मुझे घर में इंटर नहीं होने देगी। डक्की भाई ने खरीदा आईफोन 16। डक्की भाई और असद एयरपोर्ट से बाहर आए। आए हाय 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 हाय, जो सुकून अपने गांव में है वो भला किसी और जगह कैसे हो सकता है भाई? भाई लेवल का शुगर मेला हम यहीं पे लगा सकते हैं बस। वो लोग बातें करते करते बड़ी सड़क के पास पहुंच गए थे जहां उन्हें चाचा फजलू का रिक्शा आता दिखाई दिया। चाचा फजलू का रिक्शा तो ऐसे फराटे मारता हुआ आ रहा है जैसे जंगी जहाज हो। चाचा फजलू उनके पास पहुंचे तो उन्हें देखकर रुक गए। हैं? ए वाकई तुसी खड़े हो? नहीं चाचा फजलू, साड़ियां रूहां खड़ियां ने। ओ चाचा फजलू हम ही है भाई, हम वापस आ गए हैं दुबई से भाई। हाय मैं मर जावा, इतनी छेती तक कोई मेहमान भी वापस नहीं जांदा। इतनी छेती तुसी दुबई चो वापस आ गए हो? हाय फजलू चाचा देख ले फिर साड़ी स्पीड भाई। वो लोग चाचा फजलू के रिक्शा में बैठ गए और फजलू फुल स्पीड से रिक्शा चलाने लगा। और चाचा रिक्शे की स्पीड कम कर यार, क्यों साड़ी जान दा दुश्मन बन गया है? अबे रिक्शे की स्पीड देखकर लग रहा है कि हम घर नहीं सीधा हॉस्पिटल ही पहुंचेंगे भाई। वो लोग अपनी नोक झोंक में गांव पहुंच चुके थे। चौधरी साहब सहन में बैठे चाय पी रहे थे तभी उनको शकीला के गुनगुनाने की आवाज आई। मेनू लहंगा ले दे महंगा वे मर जाने आ, इतने पैसे दस्तो कित्थे लेके जाने आ। ओए कमली ए तेरी केड़ी उम्र रह गई है हुन लहंगा पाण आली? चौधरी साहब तुसी ते इंज कहंदे पे हो जिवें मैनू ओरली लग गई है। लहंगे नु छड्डो जी, मैं ते आईफोन लेना है। शकीला बेगम तेरे हाथ विच नोकिया ही चंगा लगदा है, बस आईफोन तेरे वास्ता रोग नहीं। चौधरी साहब मेरे वास्ता रोग ते तुसी भी नहीं सी, तुहाडे नाल गुजारा कर लिया ते फिर आईफोन केड़ी वड्डी बला है। मां जी और रजब खाना खा रहे थे कि रजब बोला, यार मम्मा जानी खाना खाकर मुझे चौधरी साहब की तरफ जाना है। लेते है रजब पुत्रे। मम्मा जान डक्की भाई वापस आ गया है तो उसी ने चौधरी साहब की तरफ बुलाया है मुझे। रजब पुत्रे डक्की ते इंज वापस आया जिवे दुबई नहीं नाल दे पिंड गया होए। मम्मा यार उसने एक फोन ही तो लेना था इसलिए फोन खरीद कर वापस आ गया है। दुबई से फोन मुफ्त मिलते है क्या? जानी फिर ऐसा करो तुम मुझे 3-4 फोन मंगवा के दो, मैं अपनी सहेलियों को गिफ्ट कर दूंगी। माँ जी की बात सुनकर रजब ने अपना सर पकड़ लिया। मम्मा जान आजकल कोई थप्पड़ भी फ्री में नहीं मारता, आप फोन की बात कर रही हैं। रजब उठकर चला गया तो माँ जी सोचने लगी, लेकिन रजब अली तेनू तो फ्री दी जूतियां पेंदियां ने। चौधरी साहब और शकीला की बातें चल रही थी कि डक्की और असद भी वहां आ गए। चौधरी साहब क्या हाल चाल है आपके भाई? चौधरी साहब डक्की भाई को देखकर हैरान रह गए। ओ डक्की पुत्र तुसी तो वापस भी आ गए हो। चौधरी साहब हम कौन सा पक्के पक्के चले गए थे? डक्की पुत्र आईफोन नहीं नजर आ रहा। ओए पागले
ਉਹ ਆਈਫੋਨ ਹੈ, ਛਈਆਂ ਛਈਆਂ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸਦ ਔਰ ਡੱਕੀ ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕਰ ਹੱਸ ਪੜੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਈਫੋਨ ਦੇਖਨੇ ਮੇਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਭਾਈ, लेकिन आईफोन के फीचर ज्यादा होते हैं भाई। फिट है मो भाई, मैं समझा 5-7 फुट लंबा होंदा होना है आईफोन। लखा पैसे ला के भी अगर निका जिहा आईफोन ही आंदा है ते साडा बटना वाला फोन ही चंगा है फिर। चौधरी साहब कर दीती ना पेंडू वाली गल, आईफोन फैशन है, फैशन है। तो मैं भी आईफोन लेना है। मो वेख्या ही अपना नोकिया दे चार्जर वर्गा ते लेना आईफोन है। यार चौधरी साहब आप लड़ना बंद करें यार, मैं आप सबके लिए आईफोन लेके आया हूँ भाई। अरे सच्ची, मुझे खुशी से हार्ट अटैक ही ना आ जाए। तभी वहाँ पर अरशद साहब और शराज के अब्बू भी आ गए। डक्की भाई क्या सरप्राइज देना था आपने जो इतनी इमरजेंसी में बुलाया है। तभी वहाँ पर हैदर और रजब भी आ गए। ओ खैर ते है डड्डू चार्जर, इन्ने शॉर्ट नोटिस ते बुलाया ही। मैं बताती हूँ डक्की भाई, आप सब के लिए आईफोन लेकर आए हैं। ओए करेले के हमशक्ल, सच है ये? बिल्कुल सच है भाई, मैंने सोचा जैसे मैंने आईफोन 16 सबसे पहले खरीदा है, इसी तरह पॉपकॉर्न कहानी टीवी विलेज में सबके पास आईफोन 16 होना चाहिए भाई, तो इसलिए मैं आप सबके लिए आईफोन लेके आया हूँ भाई। असद ने आईफोन वाला बैग टेबल पर रख दिया। चलो भाई तैयार हो जाओ, टाइम आ गया आप सबको आईफोन देने का भाई, अब तो लेवल की सेल्फियां बना करेंगी भाई पिंड में। डक्की भाई ने बैग खोला और सामान निकालना शुरू किया। ओ यार ये तो किसी बहन के कपड़े लग रहे हैं। डक्की भाई हैरान परेशान बैग में से एक एक करके चीजें निकालते जा रहा था। ओए टिंडे सच्ची सच्ची बता दे, ये लेडीज बैग का क्या चक्कर है? सारा बैग खाली हो चुका था लेकिन आईफोन वहाँ मौजूद नहीं थे। उस्ताद हम गलती से किसी और का बैग उठा लाए हैं। डक्की भाई ने बैग के ऊपर लिखे नाम को पढ़ा। बुशराम जिद। उन्हें सारी कहानी समझ आ गई थी कि बैग एयरपोर्ट पर किसी और बैग के साथ चेंज हो गया था। यार अब हमारा बैग हमें कैसे वापस मिलेगा? अब तो आप लोग सब्र करें, आईफोन से भरा हुआ बैग कौन वापस करेगा अब भला। हाय रब्बा, अभी तो मैं अच्छी तरह से खुश भी नहीं हुई थी कि मोए मोए हो गया। मोए मोए। वो सब लोग उदास हो गए थे। A few moments later. चौधरी साहब के घर एक आदमी हाथ में एक बैग पकड़े एंटर हुआ। जी चौधरी साहब का घर यही है? हाँ जी बिल्कुल, मैं ही चौधरी यहाँ। डक्की भाई ये बैग एयरपोर्ट पर छोड़ गए थे, इस पर लिखे एड्रेस की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। उस आदमी ने डक्की भाई को बैग पकड़ा दिया। आए हाय 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 भाई, लेवल हो गया भाई, मेरा बैग मेरा मुझे वापस मिल गया भाई, लेवल शुगर मिला होगा भाई अब। शुक्र है अल्लाह का बैग मिल गया। वाह भाई वाह, ये तो कमाल हो गया। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जजाए खैर दे। जी जी वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी बीवी का बैग कहाँ है? वो मुझे दे दें वरना मुझे घर में इंटर नहीं होने देगी। उस आदमी की बात सुनकर सब हंसने लगे। मैं भी उन मूवी के चिब्बे करके अपनी सैफलियां बनाया करूंगी। ओ कमलिए, सैफलियां नहीं सेल्फियां कहंदे हैं। चौधरी साहब की बात सुनकर सब हंस पड़े।